हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लीजिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं हम। जी हाँ, 10वीं पास के लिए आरपीएफ ने मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल के पदों पर 8619 सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकाल दी हैं। ये रेलवे में सरकारी नौकरी करने का एक अच्छा और सुनहरा अवसर है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल इन पदों के लिए सरकारी भर्तियां निकाल दी हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 रखी गई है। सभी 10वीं पास अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक ये सुनिश्चित कर लें कि वे योग्यता के हर शर्त को पूरी करते हैं या फिर नहीं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो या फिर शारीरिक योग्यता हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पद के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद का नाम है कांस्टेबल और यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 8619, जिसमें से 4403 पद पुरुष कांस्टेबल के हैं और 4216 पद महिला कांस्टेबल के लिए हैं। वहीं बात की जाए वेतनमान की, तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को 21,700 रुपये प्रति माह के साथ अन्य सभी भत्ते भी शामिल होंगे। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास सभी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए योग्य हैं। और अब आ जाते हैं शारीरिक योग्यता। सबसे पहले ऊंचाई की बात की जाए तो पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और अन्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर है। तो वहीं महिलाओं के लिए ऊंचाई सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 157, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और अन्य वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर है। तो जो भी अभ्यर्थी इन सारी शारीरिक योग्यताओं के मापदंडों को पूरा करता होगा, केवल वो ही आवेदन करने के लिए योग्य है। अब आते हैं आयु सीमा पर, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन शुरू होने की तिथि है 1 जून 2018, यानी कि 1 जून से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 30 जून 2018। इसलिए आपको 30 जून तक या फिर इससे पहले पहले आवेदन करने होंगे। आवेदन करने के लिए सभी आवेदक सबसे पहले रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद कांस्टेबल रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें और इसे सबमिट कर दें। और अब आखिर में एक जरूरी सूचना, अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि उन्हें आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित प्रत्येक योग्यता प्राप्त हो। निर्धारित शैक्षिक योग्यता के लिए परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थी कृपया आवेदन ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।